सेल्स बढ़ाने के लिए कुछ स्ट्रेटजीज। बिजनेस में सफलता कैसे पाएं? ये सवाल आपके दिमाग में आया होगा और कई लोगों ने इसके अलग अलग जवाब भी दिए होंगे। लेकिन बिजनेस को सफलता दिलाने में सबसे ज्यादा जो मदद करता है वो है उसके टारगेट कस्टमर्स। टारगेट कस्टमर की सही पहचान होगी तभी आपके बिजनेस की सेल बढ़ेगी और सेल बढ़ने पर ही आपका बिजनेस बढ़ेगा। अगर आपके पास बिजनेस में सेल्स को बढ़ाने की सही तरकीब है तो आप अपने छोटे से बिजनेस को भी आसानी से सक्सेसफुल बिजनेस बना सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम आपको ऐसी 5 सेल्स स्ट्रेटजीज के बारे में बताने जा रहे हैं जो आपके बिजनेस में काफी मददगार साबित होंगी। इन सेल्स स्ट्रेटजीज का इस्तेमाल करके आप अपने बिजनेस को बड़ा बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। कस्टमर के बाइंग बिहेवियर को समझें। किसी भी बिजनेस के लिए उसके कस्टमर सबसे जरूरी हैं। वही आपके बिजनेस को सफल बनाते हैं। इसके लिए जरूरी है कि आप अपने टारगेटेड कस्टमर्स को अच्छी तरह से जानते हो, समझते हो और उन्हें पहचानते हो। कस्टमर आपके प्रोडक्ट या सर्विस को नहीं बल्कि उनसे मिलने वाले फायदे से आकर्षित होकर आपके प्रोडक्ट या सर्विसेज को खरीदते हैं। यहाँ जरूरी ये भी है कि आप कस्टमर के बाइंग बिहेवियर को भी समझते हो। कस्टमर के बाइंग बिहेवियर को समझने के लिए आपको कस्टमर के बीच कुछ सर्वे करने पड़ सकते हैं या फिर रिसर्च की मदद से भी आप कस्टमर की पहचान करने का काम कर सकते हैं। प्रोडक्ट या सर्विस के फायदों की लिस्ट बनाएं। आपके बिजनेस में अगर आप सेल बढ़ाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको सबसे पहला और जरूरी काम ये करना होगा कि आप अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज के फायदों की एक लिस्ट बनाएं। मतलब कि आपके प्रोडक्ट से कस्टमर को किस तरह का फायदा होगा ये जानना जरूरी है। अब इन फायदों यानी आपके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के फीचर्स के जरिए ही आपको अपने कस्टमर्स तक पहुंचना होगा। कस्टमर की प्रॉब्लम को पहचानें। जब भी किसी कस्टमर की समस्या का समाधान कोई बिजनेस या फिर कोई प्रोडक्ट करता है तभी वो कस्टमर उस प्रोडक्ट पर भरोसा जताता है और दूसरे कस्टमर को उसका सुझाव भी देता है। आपको कस्टमर की परेशानियों को पहचानने का काम भी करना होगा। कस्टमर किस तरह की समस्या का सामना कर रहा है इस सवाल की खोज आपको करनी होगी और इसका समाधान आपको कस्टमर तक पहुंचाना होगा। जब आप कस्टमर की परेशानियों को पहचान जाते हैं तो बिजनेस में आपके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की सेल बढ़ने लगती है। कॉम्पिटिटर की स्ट्रेटजीज पर रखें नजर। आपके कॉम्पिटिटर के पास मार्केट का काफी सालों का अनुभव होता है। उसने बाजार की मंदी को भी देखा होता है और तेजी को भी। यहाँ आप अपने बिजनेस की सेल की बढ़ोतरी के लिए अपने कॉम्पिटिटर की उसी एक्सपीरियंस का फायदा उठा सकते हैं। उसके द्वारा अपनाई गई स्ट्रेटजीज ही आपके बिजनेस में भी काम आ सकती हैं। इसलिए आपको हमेशा कॉम्पिटिटर की स्ट्रेटजीज पर नजर रखनी चाहिए। आपके बिजनेस की सेल बढ़ाने में वो भी आपके काफी काम आएगा। सोशल मीडिया से मिलेगी मदद। सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आपको बड़े कम समय में आपका टारगेट कस्टमर मिल जाता है। आपको बस सही समय पर अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की जानकारी सोशल मीडिया पर उपलब्ध करानी होगी। इसके बाद सोशल मीडिया के जरिए आपके बिजनेस में सेल्स जरूर बढ़ेगी। सोशल मीडिया एक ऐसा जरिया है जिस पर आप कम समय में ज्यादा लोगों तक पहुंच सकते हैं। बिजनेस में सेल्स को बढ़ाने के लिए ये सबसे अच्छे तरीके हैं जिनकी मदद से आप अपने बिजनेस को तरक्की दिला सकते हैं। ये तरीके आपके बिजनेस की ग्रोथ और सेल्स को डबल करने का काम करेंगे। ये टिप्स आपके काम आएंगे। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करें और ऐसी और बिजनेस टिप्स के लिए हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ओके क्रेडिट, बिजनेस ओके है।